हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके से रोटी बची हुई है और एक्स्ट्रा हो गई है रोटी, या फिर बासी रोटी कह लो, अगर बची है तो आप इसका कुछ बनाना चाहते हैं तो बहुत ही यम्मी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बस इसके लिए आपको चाहिए आपकी जो रोटी पराठा जो भी बचा हुआ है वो ले लीजिए आप। उसके अलावा आपको चाहिए टोमेटो केचप, तो ये मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने हरी चटनी लिया है। हरी चटनी किस तरीके से घर में बनाना है इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर की हूँ, और आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक अवेलेबल है। बस धनिया, मिर्ची, नमक, अदरक और थोड़ी सी लहसुन को आप ग्राइंड करके चटनी बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने आधा टमाटर आधा प्याज बारीक बारीक कट करके ले लिया है। हमने लिया यहाँ पे थोड़ा सा बटर, बटर के जगह पे आप रिफाइंड ऑयल या फिर घी दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है आलू वाला मसाला, तो मसाला देख सकते हैं आप ये किस तरीके से तैयार हुआ होगा। ये भी मेरे पास थोड़ा बचा हुआ था तो उसे मैंने ले लिया है। तो इसमें मैंने आलू, नमक, धनिया की पत्तियाँ, बारीक कटे प्याज और ये जो चिली फ्लेक्स होता है, रेड चिली फ्लेक्स, वो डाला है। बस इतनी चीज़ों से ये हमने मसाला अपना तैयार किया है। और इसे और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो बिल्कुल बारीक वाली नमकीन आती है उसे ले लिया है। और इसे आप तवे पे भी सेक सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर इस तरीके से टोस्टर है, ओवन है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने टोस्टर को देखिए गर्म कर लिया है। तो ये लीजिए, सबसे पहले मैं इसे खोल के और इसमें मैं पहले बटर लगा लूँगी। तो मैं अपने टोस्टर में अच्छे तरीके से बटर लगा लूँगी, ये देखिए। और इसे हम थोड़ा सा बंद करते हैं और तब तक अपनी रोटी को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमें रोटी लेनी है। अब इस रोटी के आधे भाग में आपको टोमेटो केचप लगाना है और आधे भाग में हरी चटनी इस तरीके से आपको लगा लेनी है। तो ये देखिए, मैंने आधे भाग में टोमेटो केचप लगा लिया है और आधे में मैं हरी चटनी लगा रही हूँ। और फिर मैंने ये देखिए आधे भाग पे ये जो मसाला तैयार किया था आलू वाला, इसे लगा दिया है। अब ऊपर से आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये देखिए आप प्याज, पूरे तरीके से ऑप्शनल है, और टमाटर, आपके पास चीज़ है, पनीर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर बची हुई रात की आपके पास आलू की सब्जियां हैं तो उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आलू वाला मसाला है तो मसाला ले लीजिए। तो ये लीजिए, मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर ज़रा सा आपको चाट मसाला या फिर काला नमक डाल देना है, हल्का सा। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा डाल रही हूँ यहाँ पर चाट मसाला, ये देखिए आप। अब क्या करना है आपको, बीच से इस तरीके से ये देखिए आपको इसे बंद करना है अपनी रोटी को। अब बस ये जो आपका टोस्टर गरम हुआ है, सैंडविच मेकर है ये मेरे, और ये देखिए ऊपर की तरफ रोटी के ऊपर मैं इस तरीके से बटर लगा रही हूँ, ये देखिए। और नीचे तो मैंने बटर लगाया था, थोड़ा सा और लगा दी हूँ ताकि ये बहुत ही यमी यमी थोड़े से क्रंची से तैयार हो जाए। ये देखिए ऊपर से आपको बटर लगा देना है और फिर इन्हें आपको बंद कर देना है, बस। अब सेम तरीके से दूसरी रोटी को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए दूसरी स्टफिंग भी हमने रेडी कर ली है, बस झटपट से ये तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। और ये लीजिए, हमारी ये टेम्पटिंग सी रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। और बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि आपने इसे बासी रोटी से तैयार किया है या फिर इस तरीके से आप कैसे इसे तैयार किए हैं। तो चलिए इसी तरीके से हम अपनी दूसरी रोटी को भी तैयार करते हैं। बनने के बाद बिल्कुल भी लग रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने इसे बासी रोटी से बनाया, बल्कि लग रहा है जैसे हमने इसे रोटी बना के ताज़ी ताज़ी, और यानी कि जैसे हम पनीर रैप के लिए रैप तैयार करते हैं टॉर्टिला, वैसे हमने इसे बनाया है। तो ये लीजिए, इसे भी सेम तरीके से आप पकने दीजिए। अब ये जो तैयार हुई है आपकी रोटी, इसे हम थोड़ा सा और टेस्टी बना देते हैं। तो ये देखिए, ये जो नमकीन है इसे मैं लगा दूंगी इस तरीके से साइड साइड से। तो यहाँ पे हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो बस इसे भी हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए हमारी रोटी कितनी बढ़िया तैयार हो गई है। तो ये जबरदस्त सा नाश्ता तैयार हो गया है। तो आप इंजॉय करिए, और मुझे लग रहा है कि आप इस नाश्ते को बनाने के लिए जानबूझ के रोटियां बचा बचा के रखोगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। बहुत ईजिली तैयार हो गई है। हमने यहाँ पर चीज़ और
पनीर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही यम्मी तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसके पहले भी एक रोटी की रेसिपी शेयर की थी जिसमें बची हुई रोटियों से भी मैंने एक नाश्ता तैयार किया था, तो वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया था, उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।